हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। जनता पार्टी टूट गई और उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण है वो हुआ। ऐसे काल से लेकर के और लगातार आज 41 साल में बहुत शून्य से, क्योंकि एक समय ऐसा था भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद आए थे 1984 के अंदर, तो वहां से लेकर के और लगातार यात्रा करते करते आज देश में शासन के नाते से सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और पार्टी का अगर साइज देखते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पार्टी है। और हम लोगों ने देश में समाज को किस प्रकार से सुशासन की व्यवस्था दी जाए, चाहे हमारे प्रांतों की सरकारें हैं चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, बहुत से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और उसके परिणाम स्वरूप आज देश की जनता का विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को और प्रदेशों को आगे बढ़ा सकती है, जनता को एक जनता हित की सरकार है ये दे सकती है। सर, व्हाट नेक्स्ट? इतना आपने कहा कि पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया, अब आप बतौर संघ प्रचारक भी रहे हैं, तमाम भूमिकाओं में रहे हैं, मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अब अगला टारगेट क्या देखते हैं भाजपा के लिए बतौर एक पार्टी? देखिए, आज भी देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ऐसी विचारधाराएं जिनको हम देश हित में नहीं मानते, ऐसी विचारधाराओं के कुछ गढ़ हैं, उन गढ़ को तोड़ने का सिलसिला भी कुछ साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे स्थानों पर भी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और उन प्रदेशों में भी जहां पहले कभी कोई सोचता नहीं था कि यहां भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे स्थानों को भी भारतीय जनता पार्टी ने कवर कर लिया है और बहुत जल्दी। उदाहरण के लिए जैसे बंगाल है, बंगाल मई का पहला सप्ताह होगा, बहुत एक उज्ज्वल वो सप्ताह होगा जिस दिन हमको समाचार मिलेगा कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सरकार बना ली है। और जब एक कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रदेश, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो एक देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी। लेकिन सर, जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी ने कहा किसान लगातार विरोध कर रहा है, सैनी साहब का विरोध किया, अभी चल रहा है सैनी साहब का, इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? आगे गांव में आप भी नहीं जा पाए, कितना पत्र भी लिखा था, इस विरोध को अक्सर आप कैसे देखते? देखिये, चूंकि प्रदेश में कुछ लोग, मैं फिर कहूंगा कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया हुआ है, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी इतनी संख्या है कि जिससे जनता को प्रभावित है। लेकिन जैसे एक परिवार होता है, परिवार में भी इतने सारे सदस्य होते हैं, उसमें एक या दो सदस्य कभी कभी किसी कारण से कोई नाराजगी होती है या कोई शरारती तत्व होता है या कुछ भी होता है, कुछ समय तक उसको समझाया जाता है, समझाने के बाद उसको ये विचार किया जाता है कि एक ठीक लाइन पर वो आ जाए, परिवार के तो अंग है ही है। और कभी न समझी इतनी ज्यादा बढ़ जाए, सीमा पार हो जाए, तो फिर उसको थोड़ा एक प्रकार से उसको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। आज एक घिनौनी हरकत, जो एक मैं कहता हूँ जानलेवा हमला हुआ सांसद के ऊपर, और ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं हुई है। अगर इस प्रकार से सीमा तोड़ेंगे, जिस बात को वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे शांति प्रिय आंदोलन होंगे, शांति प्रिय तरीके से हम विरोध करेंगे, शांति प्रिय तरीके से हम झंडे दिखाएंगे, हम कहते हैं झंडे दिखाएं कोई बात नहीं, कहीं नारेबाजी करनी है कोई बात नहीं, प्रदर्शन धरना करना कोई बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र को भी खतरे में डालने वाली घटनाएं यदि होंगी और इस प्रकार से हमले किए जाएंगे, तो ये हमले कम से कम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सहन नहीं किए जाएंगे। और जहां इस प्रकार सीमा से कोई बढ़ेगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सर, सरकार इन मसलों को लेकर पिछले कई बार इस तरीके की एक्टिविटी रही है, सरकार इतनी पोलाइट क्यों हो रही है? मैंने बताया, क्योंकि परिवार अपना है, घर अपना है, प्रदेश अपना है, लोग भी अपने हैं। जब अपना कोई परिवार घर होता है तो एक समय तक समझाने का जो काम है, समझाइश का जो काम है, वो करना पड़ता है, हम कर रहे हैं और अभी भी मैं समझता हूँ, मैं अपील भी कर रहा हूँ और वो समझाने का काम आज भी हम कर रहे हैं। सीमा से आगे नहीं बढ़ना है। संयम कब तक बना रहेगा? संयम तो लगातार रहेगा और संयम के साथ कमजोरी नहीं हमारी, जैसे हमने पहले भी घोषणा की है, संयम आगे भी बना रहेगा, लेकिन तौर तरीके बताना ये हमारा काम है, बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई जिस तरह की कोई हिंसा है मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन सरकार पंजा लड़ा रही है, हाथ मिलाना था पंजा लड़ा रही है, आंख से आंख मिलाने की बात थी, आंख मिलाकर डरा रही है, साथ लेके नहीं चल रही और अपनी विफलताओं का ठीकरा विपक्ष पर। कोई हमारी विफलता नहीं है और कोई हम विपक्ष को उस नाते से कभी छेड़ते नहीं है, लेकिन विपक्ष बैठे बैठे बैकग्राउंड से शरारतें करे तो शरारतें विपक्ष की भी समझ में आती हैं, उनको सहन नहीं किया जाएगा। आखिर ये विपक्षी लोग इस सीमा तक चले गए कि अगर हमने ये कहा कि जो कोई ऐसी भाषा बोलता है हम इसका विरोध करेंगे, उसको नहीं आने देंगे, उसकी हम निंदा करेंगे, और विपक्ष जो है निंदा करने से भाग जाए तो निंदा नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि विपक्ष का एक समर्थन
एक साइलेंट उनका जो समर्थन है वो विपक्ष का उनको है, तो इसलिए बात कब छुपी हुई नहीं है। खास करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता खुद दौड़े दौड़े चले जाते हैं और जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी जजपा के नेता जाएंगे वहां ये पीछे से उकसा देते हैं कि वहां मत आने दो, तो ये कौन नहीं समझ रहा, सब समझ रहे हैं। इसलिए विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभानी चाहिए। फसल की खरीद शुरू हो गई है और मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत पहले मैसेज जा रहे थे और अब कह रहे हैं कि बिना मैसेज के भी कोई लेकर के आएगा फसल तो उसकी फसल खरीद ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं अभी विपक्ष के नेता ये भी सवाल उठा रहे थे फिर उसका वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी चूंकि मंडियों में जितनी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से पूरा गेहूं नहीं आ रहा, तो आज तो ये स्थिति है कि जब कमी आ रहा है तो बिना यानी टोकन के जो आएगा उसको उसकी जो शेड्यूलिंग है वो तो हिसाब से गेट के ऊपर की ही जाती है कि जो जब आ जाएगा उसकी शेड्यूलिंग करके ताकि दोबारा से उसकी शेड्यूलिंग ना करनी पड़े। तो जितना 8-10 तारीख तक जब तक अनाज कम आ रहा है तब तक ये छूट दी है, बाद में जब कैपेसिटी से ज्यादा गेहूं आना शुरू हो जाएगा फिर उसकी अल्टरनेट व्यवस्था है, जैसे अलग से परचेज सेंटर हमने बनाए हैं वहां कुछ खरीद की जाएगी या उस मंडी की फुल कैपेसिटी कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ बचेंगे तो शनिवार रविवार दो दिन फिर हमने छोड़े हैं ताकि उस दिन बिना शेड्यूलिंग के लोग भी आएंगे उनको भी करेंगे। हमारी कोई किसान के साथ इस मामले में विरोध नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक चले, आखिर मंडी में अफरा तफरी ना बचे, कोरोना है और वैसे भी जब अफरा तफरी मचती है तो कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। वो दिन हमको याद है जब किसान दो दो दिन तीन तीन दिन मंडी में उसकी गेहूं उतरती नहीं थी और वो वहां रातें काटनी पड़ती थी, लंबी लंबी लाइनें सड़कों के ऊपर लगती थी एक व्यवस्था करने के लिए। आखिर एक क्यू में खड़े हो जाओ, आपकी जब बारी आएगी तब उसका काम होगा। अनुशासन करना कोई गलत बात थोड़ी है, अच्छी बात है। रोहतक का मुद्दा बनता जा रहा है, रोहतक का जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बंदर सिंह हुड्डा हो या फिर शैलजा ने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन की बात कर दी और लाठी चार्ज की जांच की बात भी कर रहे हैं, रोहतक आप गए थे आखिरकार उसमें हुआ कितना लाठी चार्ज? मैं आप लोगों को, मेरे पास वो वीडियो क्लिपिंग्स आ गई हैं, वो वीडियो क्लिपिंग्स सभी चैनल्स को आज मैं भिजवा दूंगा, उसको आप लोगों को देखना चाहिए कि वहां जो लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं क्या वो शांतिपूर्वक था, क्या उन्होंने पुलिस के साथ झड़प नहीं की। किसान आगे बढ़कर के झड़प कर रहे हैं और जब किसान एक सीमा से आगे झड़प करेंगे तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस में कुछ अपनी घुड़की दिखानी पड़ेगी, क्या पुलिस चुप करके मार खाती रहेगी? पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, पुलिस के 3 लोग फट्टड़ हुए, तो और जो शांतिपूर्वक करने का एक वादा करते हैं उसको निभाना चाहिए। वो चीजें आप लोग वीडियो के ऊपर क्लिपिंग उसकी चलाएंगे या आप लोग खुद देखेंगे आपको ध्यान में आएगा कि शांतिपूर्वक का केवल ढोंग है। इस प्रकार से उकसा करके वातावरण को खराब करना और कहते हैं कि हम कहीं ना जाएं, हम अपने किसी मित्र के यहाँ गए हैं, किसी कार्यकर्ता के यहाँ गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और उसके बाद ये करेंगे वहां क्यों आया कोई, थोड़ी सी सीमा बनाकर रखनी चाहिए। धन्यवाद। ये इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, किसान आंदोलन पर सूबे के मुखिया बोलते हुए नजर आए। सीएम मनोहर लाल किसान आंदोलन पर बोलते हुए नजर आए, उन्होंने कहा प्रदेश में कुछ लोग दिक्कत कर रहे हैं और प्रदर्शन करना सभी का हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, पर एक सीमा तक। उन्होंने कहा ये प्रदेश आपका घर है, तमाम किसानों से उन्होंने आग्रह किया कि प्रदेश आपका घर है और उन्होंने कहा कि सरकार संयम बनाए हुए है, सरकार लगातार संयम बरत रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए। ये चंडीगढ़ से अहम खबर, किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कुछ लोग दिक्कत कर रहे हैं और इसी दौरान किसानों पर रोहतक में हुई लाठीचार्ज पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने जो लाठीचार्ज किया है वो अपनी सुरक्षा के मद्देनजर किया है, उन पर भी पत्थर फेंके जा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम संयम बनाए हुए हैं, हर किसी को प्रदर्शन करने का, धरना देने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का पालन एक सीमा में रहकर किया जाए।